दुनिया को दुनिया की पड़ी हुई है, इनको सी टाइप की चार्जर की पड़ी हुई है। आप तो ये चेहरे से वाकिफ होंगे माशाल्लाह। ये हमारा नेचुरल कैरेक्टर है, घर्राटे सुनो। आइए दुल्हन इनसे मिलिए, ये है तुम्हारी ननंद। आई एम स्वीट 16, उससे भी कम बोल सकते हैं मेरी एज को। दिखती हूँ कितनी प्यारी हूँ मैं, रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ मैं, बहुत प्यारी बच्ची हूँ। देखो कलाकार की कला ये रहती कि हर कैरेक्टर में ढल जाना। ए, बोलो जी क्या है, जाने का है मेरे को? तुम्हारे को तो वन टाइम पे चाहता, आप भले बात तो सुनो, तुम्हारी बहन वो ये चेज चुका कौन सा इंटरेस्टिंग मुंडा जी, क्या बोलते हैं मैं बाथरूम को जा रहा हूँ, तुम मेरे को बाथरूम को भी जाने नहीं दे रहे। तुम बहरहाल तुम्हारे को तुम्हारी कंप्लेन करना है भाई, समझे? ऐसा करेंगे अच्छा रहा था। ए मंडा हमारा व्लॉग बन रहा, यहाँ पे देख सकते आप माशाल्लाह से। दुनिया को दुनिया की पड़ी हुई है, इनको सी टाइप की चार्जर की पड़ी हुई है तीनों भाई। ये हमारे आमिर भाई है, हमारे वालिद साहब का कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो कैसे देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, कभी इन हमारे भाई बने, कभी दोस्त बने, कभी बाप बने, आगे दादा बनते, उसके बाद खत्म। बिचारे के चक्कर में दिख रहे हैं। जी जी जी, तो ये सीरीज कितने दिनों के बाद काम कर रहे हैं आप हमारे साथ? करीब 6-7 महीने हो गए होगा जी माशाल्लाह। लास्ट जनवरी से नहीं करा मैं, जनवरी में करे थे बराबर। बीच में एक बहन की शादी की दरियाफी का एक टिपका मार के गए थे, आम आना टिपका मार के जाना, जाना एक टिपका मार के चले गए थे सब। इंशाल्लाह आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हम लगा हमारे हम लोग जो है लिखने पढ़ने नहीं आता, बल्कि उर्दू की उस्तादी माँ रखे, उस्तादी माँ यहाँ है। आप तो ये चेहरे से वाकिफ होंगे माशाल्लाह से, बहुत बेहतरीन एक्टर है। तो एक जमाने से हमारी ख्वाहिश थी आपके साथ एक्टिंग करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ख्वाहिश पूरी हो गई। तो आपको कैसा दिख रहा है आज हमारे शूटिंग का पहला दिन है? पहली चीज तो मेरी भी ख्वाहिश थी रजक सर के साथ काम करने की, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अल्लाह वक्त लाया। माँ का रोल बाद में चेंज होएगा इंशाल्लाह, दूसरा रोल भी मिलेगा। अभी ज्यादा फील हो जा रहे। देखो कलाकार की कला ये रहती कि हर कैरेक्टर में ढल जाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम शूटिंग कर रहे हैं स्क्रीन पे तो आप लोग अभी देखेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कैरेक्टर में ढल गए, तो बहुत अच्छा भी है। और इंशाल्लाह ताला सैटरडे वीडियो आने वाला है, तो आप लोग देख के बहुत खुश हो जाएंगे। इस कैरेक्टर के बारे में बताइए, नेचुरल कैरेक्टर है? ये हमारा नेचुरल कैरेक्टर है, घर्राटे सुनो। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये लाइव है, हकीकत में ऐसा हो रहा, देख सकते हैं आप। तो इनसे मिलिए, आइए दुल्हन इनसे मिलिए, ये है तुम्हारी ननंद। तो इनू जो है सर, हाँ ये निदा है, ये भावच पे फिदा है, इनू भाभी है, इनू ननंद है। आखिरी फसादी जिसको बोलते, देखो वो है। अभी उतना कर ही नहीं यार कुछ फसाद, अभी बाकी है बहुत फसाद और। अच्छा। रिमेनिंग में कर लेंगे अपन, अब आगे वो फसादों को टिक फॉर टैट देना, वो मेरे अंदर है, वो मैं बरोबर देती हूँ। मैं किसके छींटे है? छींक के छींटे है। क्या है, खाली पीली इनको बाप का कैरेक्टर नहीं दिए, उन वो कैरेक्टर में ढल सकते बोल के है। तो निदा हमारे साथ जो है सो बहुत अरसे से साथ है, मगर स्क्रीन पे कभी साथ नहीं थे, तो आज पहली बार जो है सो इनके लिए कैरेक्टर हम लोगों के पास आया। तो ख्वाहिश भी थी इनको जो है सो कास्ट करने की कभी हमारे पास, तो एक डबिंग के स्टूडियो में हमारी मुलाकात हुई थी, तो फिर आज मौकूफ भी आ गया। तो हाउ आर यू फीलिंग? ऑल गुड, पॉजिटिव एटमोसफेयर सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर आपस में मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता, सर दर्द दर्द, जितनी जल्दी निकल जाओ मजा आ रहा है, 4 घंटे और बैठ सकते। डिनर के वास्ते बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो तो आपसे तो वाकिफ है। अब आप लोग कमेंट आने करना, क्या रहता भाई कभी अम्मा बने कभी बीवी बने, बल्कि भाई स्टोरी है, कैरेक्टर है, चेंज होते रहता। तो लास्ट टाइम इन्होंने जो है सो हमारे मदर का कैरेक्टर करे थे, अब वाइफ का कैरेक्टर कर रहे, इससे पहले बेटी का कैरेक्टर करेंगे फ्यूचर में, सही बात है? डेफिनेटली, आई एम स्वीट 16, उससे भी कम बोल सकते हैं मेरी एज को। दिखती हूँ कितनी प्यारी हूँ मैं दिखने में। कमेंट करो, कमेंट करके बोलो कि एज कितनी है, बल्कि सर अब आज अब कमेंटों में आता। एक्चुअली सीरीज है ये जिसका नाम है गुलिस्तान, तो गुलिस्तान का ये पूरे गुल है और ये कांटा है। हाँ, सब मैच कटक रही हूँ तुम लोगों को आंखों में, कैरेक्टर में जान है। चलो डन, सी यू ऑन सैटरडे। ओ सॉरी, मेरे छोटे भाई को मार लग गया, कभी भाई बना कभी साला बना, एक बार तो मिडिल क्लास बॉय में बाप भी बना। ये हमारे पास पूरे मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, मैं अकेला ही बेकार दिख रहा हूँ। ये इंशाल्लाह ये सीरीज बहुत मजेदार रहेंगी,
इसमें तकरीबन हर घर में जो चलता उस पर डिपेंडेंट है, मगर कॉमेडी वे में लेना है इसे, कोई सीरियस मसला नहीं है, नहीं लेना सीरियस में, कॉमेडी में लेके निकाल देना है। हर किसी को हंसाने का चक्कर में हम लोग, बस इसको कोई अपने पे पर्सनल मत लीजिए और देख के एंजॉय करिए। क्या बोलूँ मैं, इतना लड़ ली वाह जिंदगी में। देखो सीरियसली बोल दे रही हूँ मैं, मेरी आवाज बहुत बेस हैवी है, लेकिन मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ। अब देख नई इमेज क्रिएट होने वाले, कुछ काफी कैरेक्टर्स के बट आज तक ननन, वो भी लड़ाकू चुड़ैल ननन का कैरेक्टर नहीं किया है। अब ये भी ब्रेक हो गया रिकॉर्ड, इसकी भी बिस्मिल्लाह हो गई। देखो इट्स रियली फनी। गलत बात, सुबह से आई है तुम हमारे सर में दर्द कर दिए, अब उसका फ्रस्ट्रेशन हम वापस निकाल रहे हैं। असल बात ये है, काउंटर ले भाई, ऐसा क्या सर में दर्द कर दी मैं? एक तो तुम लोगों की बोरिंग बकवास लाइफ में एंटरटेनमेंट लेके आई मैं, हंसा रही हूँ, बोलने लगा रही हूँ, हंस रहे बोल रहे, एंटरटेनमेंट लगा हुआ है, एंटरटेनमेंट लगा हुआ है, सर में दर्द कर दी चाय पियो सबके। चाय को फिर बोले चाय, चाय की फंसा दी नीचे में, चाय कहते चाय, फिर ये फर्स्ट एपिसोड चाय से शुरू हो, बेचारी मेकर से और वो चाय मरीज खत्म होगा, दिमाग खराब हो गया वो चाय, चाय नहीं पीने वाला भी चाय को सुन सुन के परेशान होगा। बस बेटे तुम्हारा ऑटो है बेटे, बाहर हरा ऑटो बैठे ये जैसे हमारे पड़ोसी है, इनका ऑटो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, माशाल्लाह से देख सकते हैं आप हमारे पड़ोसी को, हमारे हमेशा से बस्ती का हमेशा से सपोर्ट रहा सो है। और ये इधर लो हमारा ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर यहाँ है, देखो ये हमारा ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलेगा इस्माइल, ये हमारा साउंड इंजीनियर है, ऑटो ले लेके आवा इस्माइल, ये खाली हम ऐसी ने बने हमारे जैसे बस्ती वालों के सपोर्ट से भी आज तक यहाँ तक पहुँचे सो हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेटा सामने से हटो, सामने से हटो, तेरे ऊपर कितने की सीना शूट हो गया यहाँ पे, सोरा भाई है, साला है, सब है, तेरी आंख क्यों से यूं नहीं हुई, कैसी नींद है तेरी, ऐसी नींद होना भी नहीं, मैं 12 घंटे बस काफी सो जाती हूँ। आमिर भाई, हमारे आमिर भाई को करो भाई, हमारे ससुरे का कैरेक्टर निभा रहे नो, सास का निभा रहे, ससुर का निभा रहे, बट हमारे भाई है बहुत अच्छे भाई है, यहाँ समीर को तो देख रहे हैं सब लोग, देखो हालत देखो समीर की, समीर मैं तो तेरे को भाई भी ना बोलती हूँ, तेरे को कुछ भी ना बोलती हूँ, उठ ठहरो, उठो, क्या है कुछ बोलना चाह रहे आप? आधे घंटे के बाद बोल, बात करना वैसा नहीं, वैसा नहीं, मैं जो है सो दरवाजा बंद करते रहता हूँ, तुम आई ठहरो जी, आई ठहरो जी, अरे क्या है बोलो जल्दी आ रहा, बोले तो पहले मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारी बहन मेरा जीना हराम करके रखी हुई है, हाँ मैं चुप खामोश बैठ के सुनते जा रहे, तो तुम्हारी बहन मेरे को सुनाते जा रही, अब ये मैं नहीं सुन सकती, तुम कुछ तो भी सोल्यूशन निकालो, देखो उसका सोल्यूशन ये थे, तुम मुंह बोलते खामोश बैठ जाओ, भाई को बोले तो उन्हें सुनने वाली है नहीं, आ जाइए कल चले जा, अपने को यहाँ घर में रहना है, अम्मा बाबा से मत को लड़ लो, हाँ बड़ा बड़े हम का एहतराम करो, मैं खामोश बैठ रहा हूँ, उसका मतलब नहीं, कुछ भी बोलो, आराम से नॉर्मल जिंदगी हो जाती, फिर 4 दिन के बाद वापस आ जाती, देखो फिर तुम चुप लड़ ले रखो, जाओ काम करो तुम्हारा, कट क्या है सब आलम, कोई सुनने वाला नहीं है, भावों की साहब कोई भी नहीं सुनने वाला है, वहाँ ससुर बैठे हुए, उन्होंने भी नहीं सुनते, बिल्कुल सुन रहे, बिल्कुल तुम्हारा साथ दे रहे,
फोन दिए साथ अभी साथ दिया ना बेटा, मैं मेरी बच्ची को डांटा तो मेरे चक्कर में, इसलिए बोलते हैं बेटी को छोड़ के बहू के पास ले जाना बोल के, देख लिए क्या बेटी चल जाती, बहू उधर ही रहने लिए मरते तब तक की मैं कुछ होती, बहू बहू छोती, बट बहू यहाँ पे समझ करो, नहीं करते बस।